नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्मवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, शकुन शास्त्र में कबूतर को मां लक्ष्मी का भक्त माना गया है। ऐसे में मान्यता है कि अगर कबूतर घर की छत या बालकनी पर आकर बैठता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन प्राप्ति या अन्य कोई लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। ये घटनाएं सुख शांति समृद्धि धन दौलत मान सम्मान सेहत सौभाग्य दुर्भाग्य आदि से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली इन्हीं घटनाओं पर पूरा शकुन शास्त्र लिखा गया है। वहीं शकुन शास्त्र में पशु पक्षियों से जुड़े संकेतों का खास महत्व माना गया है, जिसमें कबूतर भी प्रमुख तौर पर शामिल है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं शकुन शास्त्र के मुताबिक कबूतर संबंधी कुछ शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। शकुन शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का आना शुभ संकेत है। शकुन शास्त्र में कबूतर को मां लक्ष्मी का भक्त माना गया है। ऐसे में मान्यता है कि अगर कबूतर घर की छत या बालकनी पर आकर बैठता है तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन प्राप्ति या अन्य कोई लाभ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कबूतर घर की छत या बालकनी को पार करके अंदर प्रवेश कर जाए तो ये भी मां लक्ष्मी की कृपा होने का संकेत है। ऐसा होना इस ओर इशारा करता है कि आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि आने वाली है। कबूतर के घर में आने पर उसे दाना डालें। हालांकि अगर कबूतर आपके घर पर घोंसला बना रहा है तो उसे ऐसा करने से रोकें। ये अशुभ संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का घोंसला बनाना दुर्भाग्य की ओर इशारा करता है। माना जाता है कि घोंसला बनाने का असर घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। साथ ही घर में रह रहे लोगों को और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में घर में इस पक्षी का घोंसला दिखते ही इसे तुंगरथ हटा दें। इन सब के अलावा मान्यता है कि जिस जातक की कुंडली में राह दोष होता है उसे कबूतर को घर के आंगन में दाना खिलाना चाहिए। इससे राहु ग्रह दोष दूर होता है। साथ ही प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी कबूतर को दाना खिलाने की सलाह शकुन शास्त्र में दी गई है। ऐसा करने से शादी या प्रेम संबंधों में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्मवाणी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।